वही बीते 16 अप्रैल को कांकेर जिले में हुए पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे, जिनमें कांग्रेस नेताओं ने टिप्पणी की है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के पूर्व उपाध्यक्ष खूबचंद पारक ने कहा कि 29 नक्सलियों का मारा जाना नक्सलियों के खिलाफ किसी प्रदेश में हुई सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। यह पुलिस विभाग के अधिकारियों और बहादुर जवानों के साहस और सटीक रणनीति का कमाल है, हमें उन पर गर्व है। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया था। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मारे गए नक्सलियों को शहीद बताया है और इस मुठभेड़ की जांच तक की मांग की है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी इस मुठभेड़ की जांच की मांग कर बैठे हैं। थोड़ा सा अवरोध आता है उसका कारण नक्सलवादी है, जिन क्षेत्रों में बस्तर या ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलवाद है वहाँ उद्योग अन्य जो चीज़ों की गुंजाइश है उद्योगपति जाना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ नक्सलवाद को जड़ मूल से खत्म करने के लिए प्रतिबंधित हैं और उस दिशा में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मिलकर कदम उठाएगा। और चूंकि अभी चुनाव का टाइम है और चुनाव अब धीरे धीरे करीब किया है, पहले दौर का मतदान जो कर बस्तर का होने वाला है और बस्तर में बीजेपी की जीत तो तय थी, लेकिन दीपक बैज जी और भूपेश बघेल की थोड़ी और कृपा पर सी और इस एनकाउंटर को जो फर्जी बताया और बस्तर के लोगों ने इस घटना को बहुत करीब से देखा है, इसलिए बस्तर की सीट में हम जो 3 लाख वोट से जीतने वाले थे अब हो सकता है 4 और 4.5 लाख वोट के लिए,